अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जी, आज है संडे और ये 2:30 हो गए और हम अभी उठे हैं और अब हम जा रहे हैं कहीं आउटिंग पे। हमारे साथ रहिएगा। वरीशा भी हमारे साथ है। मुस्तफ़ा को मैं रेडी कर रही हूँ, हुर्रम अयान वगैरह सो रहे हैं। और जी, मैंने अपना चिरा शिरा संवार लिया और बेटे को भी संवार लिया है। वो लोग चलेंगे गाड़ी में। अयान, आप चलना है साथ? हैं? नहीं। चलो, हुरम का ख्याल रखना फिर, ठीक है? हुरम घर पे ही है। और जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और ये आप बारिश का हाल देख लें, बारिश के बाद ये हाल होता है। और जी, ये देखिए मुस्तफ़ा कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है और ये सो नहीं रहा था, जाग रहा था। और जी, हमने फिर सोचा कि क्या खाया जाए, क्योंकि नाश्ता तो हमने किया नहीं हुआ था, सो के लेट उठे थे, चाय शाय पी। तो फिर मेरे हस्बैंड को नवीद चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी पसंद है, तो वरीशा को भी काफ़ी दिल था खाने को, तो फिर हम इसीलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने खाना शाना ऑर्डर किया। और यहाँ से देखिए ये कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, मज़ार कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा काफ़ी दिल कर रहा था जाने को, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बंदा जाए। और जी, यहाँ पे मज़ेदार सा चिकन पुलाव आ चुका था। मेरा और वरीशा को जो था वो चिकन पुलाव था और मेरे हस्बैंड का बीफ पुलाव था। और जी, ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही मज़े की इनकी शामी जो होती है वो भी बहुत मज़ेदार होती है। और जी, ये देखिए जी, मैं यहाँ पे ये अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान वीडियो बना रहा होता है और वो वीडियो बनी नहीं होती और बाद में पता चलता है कि जी वो बटन हमने क्लिक ही नहीं किया था। और जी, अब हमारा प्लान बन गया था कि चलो DHA चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करते हैं, घूम फिर के आते हैं, क्योंकि अब निकले तो थे ही, तो वहाँ पे हम जाने लगे थे DHA। यहाँ से इतना दूर तो नहीं है DHA, बट ये कि इन्जॉय करते जाओ, लॉन्ग ड्राइव हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जी, हम सब फुल इन्जॉय कर रहे थे। और जी, ये देखें, ये जी हमारे मुल्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। और जो आउट ऑफ सिटी वाले हैं, सिटी वालों को तो पता होती है, बट जो आउट ऑफ सिटी वाले हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, आई नो। और साथ साथ जो आउट ऑफ कंट्री वाले भी होते हैं, दूसरों की आप जब दूसरों का शहर देखते हैं या दूसरों का मुल्क देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई देखने को मिलती हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम दूसरों के व्लॉग्स देखते हैं जिनके अंदर वो कोई शहर होता है या कोई सिटी एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जी, ये हम DHA में पहुँच चुके थे। और जी, ये DHA मुल्तान है, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और ये जी यहाँ का ज़ू है, और हम सोच रहे थे कि पहले ज़ू में जाएं, बट ये कि सिर्फ वरीशा ही साथ थी और अयान का काफ़ी ज़्यादा दिल था कि हम भी जब आप ज़ू में जाएंगे तो हमें लाजमी लेके जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुके। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, हमने कहा था किसी दिन अच्छा होगा मौसम तो फिर बच्चों को साथ लेकर आएंगे। और जी, ये देखें DHA में इन्होंने पूरा एक किस्म का पूरा मुल्तान शहर बना दिया। ये मुल्तान का घंटा घर भी इन्होंने बनाया हुआ है। एवरी थिंग यहाँ पर बनी हुई है, हर चीज़ है, बच्चों के स्कूल हैं और अच्छे होटल्स हैं। ये देखें, इस्लामाबाद की फैसल मॉस्क भी है यहाँ पे। और हर चीज़ की तो मुझे समझ आ चुकी थी, बट मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, ये किस्म का दिल्ली गेट इन्होंने बनाया या ये कोई और चीज़ है, ये मुझे बस समझ नहीं आई। बाकी मुझे काफ़ी चीज़ें थी जो हमें ज़ाहिर है हमारे कंट्री की थी, बट ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ थी।
और मुझे तो इस बारे में नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है और अगर आप में से किसी ने ये जगह देखी भी हुई है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी 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 बताइएगा। और जी अब हम जा रहे थे घर और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और अब हम घर जा रहे थे। मुस्तफ़ा भी अब तंग आ रहा था। और जी हम घर आ चुके हैं और हुरम माशाल्लाह से नाश्ता खुद ही कर रही है। हुरम इधर देखो, ये आपने बिब क्यों लगाई है? ओ वाओ दैट्स ग्रेट। अच्छी प्यारी लग रही है। और जी यहाँ पे हुरम काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ा को मिस कर रही थी और इसे प्यार वगैरह कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं खाना शाना बना लूँ। आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल और जी बस जल्दी जल्दी बन जाना था। जब बंदा कहीं से होके आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, हालांकि इतना कोई लंबा सफ़र भी नहीं था। और जिसके बाद मैंने अपनी फेवरेट सबसे पहले चाय पीनी होती है, चाय पी। क्या कर रही हो? मैं आप बेबी नहीं हो। मैं बत्तख हूँ। नहीं पागल पागल और लगता। किसे कहा पागल और? लिटा को। तो वो को कहा है? हाँ जो है कई। मैं तो ऐसे कर रही थी और यहाँ की छोटे बोल के रेडियो में लाऊं। और अब हमारा प्लान बन गया था रात को लेट नाइट आइसक्रीम खाने का और मैं वरीशा और मुस्तफ़ा और इनके पापा बस हम लोग ही जा रहे थे और जोहा एज़ यूजल साथ नहीं गई थी। उसका वैसे ही दिल नहीं होता जाने को और ना ही अयान जाता है। ये दोनों बच्चे घर रह जाते हैं, पूरम वरीशा और मुस्तफ़ा ही हमारे साथ ज़्यादातर जाते हैं। और जी अब हम जा रहे थे घर और काफी ज्यादा आज तो थक चुके थे, आज का दिन काफी एंजॉय किया। और जी वापसी भी हमने कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी, वो ले रहे हैं हस्बैंड। और गाइस मैं यहाँ पे उल्टी कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने टायर लगा दिया है। क्या कर रही हो? यहाँ पे मैंने उल्टी करनी थी और यहाँ पे ने ना मैंने वो लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पे मैंने बास्केट लगा दी। अच्छा बास्केट लगा दी। और जी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। और हम चुप करो। और जी कमेंट्स कर दिया करें। और जी ओके जी लास्ट में दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। तो हमसे नाराज है, इसकी आइसक्रीम नहीं आई तो आप साथ क्यों नहीं गई? प्लीज से समथिंग।